हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं और आप भी पीएमजी दिशा का संचालन करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओनली पंचायत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ये हमारा फुल वीडियो है। अगर आप पंचायत डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से बनाना है तो ये वीडियो आप बिल्कुल छोड़ कर जा सकते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ओनली ऑन केवल पंचायत डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से अपलोड करना है, उसमें मोहर कैसे लगानी है, उसमें किसका नाम लिखना है और किस तरीके से हम किन किन तरीकों से पंचायत डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है अभी आपको पोर्टल में भी शो कर रही होगी तो वो क्या है, क्या वह सही है, हमें उससे पहले पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना चाहिए। तो मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे बहुत सारे वेली हैं वो वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और फिर मुझे कॉल करते हैं कि ये आगे क्या होगा, तो वीडियो में पूरा रहता, तो आप वीडियो जरूर पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक मिलते रहें, और जो भी पीएमजी दिशा से फटीक नॉलेज होता है वो मैं लेकर के आता हूं। और एक बात की तो गारंटी है कि पीएमजी दिशा के ऊपर जो भी मेरा वीडियो होगा उसे आप कहीं पे भी गलत ठहरा नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। जैसे पीएमजी दिशा है का प्रोजेक्ट का लास्ट डेट आ रहा है, वैसे वैसे पीएमजी दिशा को ज़्यादा हार्ड कर दिया जा रहा है, नए नए रूल्स लाए जा रहे हैं। तो अभी एक पोर्टल आप लॉगिन करते होंगे तो एक नया रूल्स निकल कर के आ रहा है। वहाँ पर ये कहा गया है कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स आपको 31 अक्टूबर के पहले पहले अपलोड कर लेना है। अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड कर ली जाएगी। अगर आप पंचायत डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसके बारे में पूरी बताएंगे कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स क्या, ये कितने हद तक ये बात सही रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स जो बनाते कैसे हैं। देखिए, पंचायत डॉक्यूमेंट्स का एक्चुअल में मतलब ही ये होता है कि पंचायत में बैठ करके आपने क्या काम किया है। मतलब पंचायत में आप गए, उसके बाद आपने कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए, कितने का एग्जाम कराया, कितने फेल करवाए, ये सारा डाटा पंचायत डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। पंचायत डॉक्यूमेंट का मतलब कि पंचायत में आप बैठ करके मुखिया, प्रधान या सरपंच की देखरेख में आपने कौन कौन क्या किया है, कितना आपने अच्छा काम किया है कि फेल करवाए हैं कि क्या है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करता है मुखिया, उसके बाद ही आपका पेमेंट रिलीज होता है। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं पंचायत डॉक्यूमेंट्स में। तो आपको बनाना कैसे है, तो आप तो एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि पंचायत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो डिसेबल हो गए हों या फेल हुए हों या पास हुए हों, कोई मतलब नहीं है। आपने पंचायत में बैठ के जो भी काम किया है उसका सारा डाटा आप पंचायत डॉक्यूमेंट में भर देंगे। दोस्तों, मेरे पास फॉर्मेट है, या आप खुद ही पीएमजी दिशा के पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे जो वो फॉर्मेट है वो 20 स्टूडेंट का है, लेकिन मेरे पास जो फॉर्मेट है वो टोटल आप 300-400 कितना भी एक्सेल फाइल है आप उससे कर सकते हैं। अगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा पंचायत डॉक्यूमेंट बनवाना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट रहेगा, वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा और वहाँ पर आप मुझे कॉल करके अपना पंचायत डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। एक पंचायत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैक्स 2-3 घंटे का टाइम लगेगा हमारे यहाँ पर, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो एक्सेल फाइल है, आप एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, जितने आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक किए हुए सारे स्टूडेंट को उसमें भर देंगे, नाम भरेंगे, माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर, कास्ट। और देखिए, कास्ट तो कहीं भी पोर्टल में कहीं भी नहीं लिखी हुई है, तो आप अपने आप से कास्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको पता होगा, बाकी कास्ट इतना मायने नहीं रखती है, आप कोई भी कास्ट डाल सकते हैं। और विलेज नेम में जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया, मान लो आपकी ग्राम पंचायत कोई दूसरी है, आपने रजिस्ट्रेशन कहीं और पे कर दिए और उस गांव का नाम अगर डाल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो जहाँ पर पंचायत नेम रहेगा, पंचायत नेम वही पड़ेगा जहाँ पे आपकी पीएमजी दिशा पास है, और दूसरी डालेंगे तो आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा। गाँव में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत में बहुत सारे ऐसे गाँव होते हैं जिनका गाँव का नाम नहीं होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, तो वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आप एक साथ पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मान लो 300 स्टूडेंट है तो आप 300 स्टूडेंट के 300 एक बार में आप अपलोड कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमने 150 पिछले महीने में करवाए थे, उनका हमने पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया और इसके बाद हमने फिर 150 के अंदर जो स्टूडेंट थे उनका एग्जाम कराया,
तो फिर आप 150 का जो बचा हुआ पंचायत डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट से अपलोड करें, अगर आप एक स्टार्ट से अपलोड करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये कर सकते हैं। अब बाकी अगर आपको हाथ से लिख करके करना है तब भी आप कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर ले 20-20 का और आप हाथ से भी लिख करके आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए पंचायत डॉक्यूमेंट ये तो रही लिखने के बाद, मतलब आप अगर लिख लेते हैं और लिखने के बाद वहाँ पर अपलोड कैसे करना है, देखिए उसके बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि मुखिया सरपंच या प्रधान जो भी आपके ग्राम पंचायत में लगता है तो सबसे पहले उसके पास जा करके मोहर लगवाएंगे। मोहर अगर आपने अलग अलग पेज निकाले हैं, मान लो अगर आपकी एक्सेल फाइल है तो उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद अगर 3-5 के तो कम से कम 4-5 पेज की रहेगी वो, तो चार आप एक काम कीजिएगा कि जितने भी पेज होंगे ना सभी पे आप मोहर लगाइएगा। जितने पेज रहेंगे सब में मोहर लगाने के बाद वहाँ पर एक मैं फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखा दूंगा लास्ट में क्या रहेगा, तो मोहर लगाइएगा और क्राफ्ट मोहर के अंदर क्राफ्ट नेचर प्लस उसके जस्ट नीचे डेट भी डालिएगा, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जब भी कोई सिग्नेचर करता है और मोहर लगाता है तो डेट जरूर डालता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और प्लस जब लास्ट वाले पेज में आप देखेंगे कि वहाँ पे वेन्यू मिलेगा, नेम मिलेगा और पंचायत मुखिया, तो अगर जो भी सरपंच पंचायत मुखिया उसको टिक कर देंगे, नाम में सरपंच पंचायत मुखिया तीनों में से जो भी हो उसका नाम लिख देंगे, उसके जस्ट नीचे डेट का ऑप्शन रहेगा, जिस डेट को यह पंचायत डॉक्यूमेंट बना है वो डेट डाल देंगे, उसके जस्ट नीचे आपको वेन्यू लिखा रहेगा। तो वेन्यू में आपको सिंपली ये करना है कि आपको वहाँ का विलेज और पोस्ट हो गया, मतलब फुल एड्रेस आपको देना है, मतलब फुल बायोडाटा जिस ग्राम पंचायत पे आईडी है वही उसी का बायोडाटा देना है, ना कि किसी दूसरे का। तो मोहर तो वैसे अभी तक था कि जितने भी वेली हैं वो शॉर्टकट तरीके से बना रहे थे, तो शॉर्टकट तरीका मैं खुल के ही बता देता हूँ शॉर्टकट क्या था, कि आप जाते थे किसी शॉपकीपर के पास से, वहाँ से एक प्रधान या किसी का भी मोहर बनवा करके यहाँ ले जाकर अपने खुद से मोहर मार देते थे, तो वो भी तरीका ठीक है। अगर कुछ वेली हमारे हैं ना तो वो ज़्यादा ही एडवांस है, उन्होंने क्या किया कि एक बार वो मोहर जैसे बनवा लिए या कहीं से उनको मिल गई वो मोहर तो उसको स्कैन कर रहे थे, स्कैन करने के बाद मोहर को फिर उसको एडिट करके उसके ऊपर लगा रहे थे। तो दोस्तों देखिए चाहे जो वेरिफिकेशन करेगा वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं कि वो मोहर क्लियरली दिख जाती है कि ये जो मोहर है वो एक्चुअल में पेपर में नहीं लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं पे PNG फाइल है, उसको PNG फाइल में चेंज करके इस मोहर को पेज में चिपकाया गया है, तो ये वाली गलती ना करें। हाँ अगर आप चाहते हैं तो एक ओरिजिनल मोहर बनवा करके फिर लगवा सकते हैं, वो तो चल जाएगा, बट वो जो पेस्ट वाला है वो ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब आपके अभी तक जो पंचायत डॉक्यूमेंट थे उतना अच्छे से नहीं चेक हो रहे थे, बट अभी वाले जो होंगे इस मंथ वाले अक्टूबर वाले में तो वो उस पर बहुत ही डीपली चेक होगा, क्योंकि क्लियरली बोल दिया गया है, तो पंचायत डॉक्यूमेंट ना बहुत ही हिसाब से बनाइएगा कि ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो पाए आपके लिए। तो कॉपी पेस्ट का मोहर वाला सिस्टम हटा दीजिए, बाकी अभी भी आप मार्केट से जा करके वो बनवा करके आप मोहर लगा सकते हैं, वो चल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगा। तो ये तो रही मोहर वाली बात, अब बात कर लेते हैं कि इसको अपलोड कैसे करना है। सबसे पहले देखिए अपलोड करने के लिए आप इसको स्कैन करेंगे, डॉक स्कैन से स्कैन कर देंगे, डॉक्यूमेंट स्कैनर प्ले स्टोर मिल जाएगा, उस पर आप स्कैन करके इसको एक PDF फॉर्मेट में बना लेंगे, सारे पेजों को एक ही PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि नहीं तीन तीन चार चार पांच पांच टुकड़ों में अपलोड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार में भी पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, PDF आप बना लीजिए। हाँ PDF आपका उसमें लिखा तो पोर्टल में 3 MB का है, बट याद रखना 3 MB में आपका अपलोड नहीं होगा, ओनली 2 MB फिर नीचे की जो फाइल रहेगी वही केवल अपलोड होगी, अगर 2 से 3 के बीच अगर आपकी फाइल है तो 100% अपलोड नहीं होगी, तो आपको 2 MB फिर नीचे रखना है फाइल अपनी। और एक खास बात यह है कि अगर जो फाइल का नाम है अगर वो 2 वर्ड का है 3 वर्ड का है या उसमें स्पेस है तो अपलोड नहीं होगा, आपको सिंपली 1 वर्ड में ही फाइल का नेम रखना है, तभी हमारा जो पंचायत डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो पाएगा। तो जो भी आप पंचायत डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो थोड़ा सा क्लियरली दिखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी डाउन कर देंगे और वो ब्लर दिखेगा तभी प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ एक चीज़ और है कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपकी पेमेंट भी कट सकती है। वो क्यों कट रही है, पेमेंट का क्या रीज़न है, देखिए कभी आपने देखा होगा कि आपकी जो पेमेंट बन रही होगी 40,000 वो आपको मिलती है 35,000
38,000, तो ये जो पेमेंट है वो कट के इसलिए मिल रही है। मैंने भी फीएफपी पे बात किया, पीएमजी दिफा भी के अधिकारी है उन पे बात किया, तो मुझे एक ही रिप्लाई आया कि देखिए पीएमजी एकदम साफ साफ ये कह रही है कि एक घर पे मतलब एक फैमिली पे केवल आप एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मतलब एक फैमिली पे केवल एक बच्चे को ही प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत जोड़ा जा सकता है। तो अगर आपने एक घर पे 3-4 बच्चों को जोड़ दिया और उनके माता पिता के जो नाम है वो पंचायत डॉक्यूमेंट में पे मिल गए, तो मान के चलिए आपका जो पेमेंट है वो रोक दिया जाएगा, मतलब कि एक का केवल मिलेगा, दो के जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा, इसकी वजह से आपका जो पेमेंट है वो कट के मिलता है। अब देखिए ये तो नहीं प्रॉब्लम आपकी जो है, तो इसको क्या करना है, तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन टाइम ही सुधार करना है, क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा, तो फिर आपके उसमें फेम ये लिख के आएगा कि माता पिता का नाम फेम होने की वजह से ये पेमेंट कटी है। तो आपको इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, मान लो कि एक फैमिली पे 2 या 3 लोग आ गए, तो आपको सिंपली एक का तो माता पिता का नाम फेम रखना है, फिर अब जब दूसरा नाम आप ऐड करेंगे तो उसके माता और पिता का नाम चेंज कर देने हैं। चेंज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मार्कशीट में है उस पर माता पिता का नाम दिखता है, बट आपको ही बताएं मार्कशीट अगर आप कहाँ देते हो, तो कर देना हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्कशीट में बाद में एडिट कर देना, बाकी आप तो खुद ही मास्टर हो इतने, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी रजिस्ट्रेशन टाइम भी आप ध्यान देंगे तो आपको जो पैसा है वो डूबेगा नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रही बात हमारा जो पंचायत डॉक्यूमेंट्स के अपलोड की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट देखिए अभी तक ये था कि इनवाइस पे पहले हमें पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता था, मगर अब की बार उन्होंने क्लियरली बोल दिया पोर्टल पे कि आपको 31 तारीख के पहले पहले ही अपलोड करना है। तो मान लो 100% आपको अपलोड करना है 31 तारीख के पहले पहले, आप जो भी पंचायत डॉक्यूमेंट मतलब इस महीने जो आप काम कर रहे हैं इसका करना है। तो अब ये चीज़ आप एक चीज़ ये जरूर क्लियर हो गई यहाँ पे आपको कि केवल एग्जाम जिनका हुआ उनका नहीं, सभी का करना है, क्योंकि आप 31 तारीख तक एग्जाम ही कराएंगे तो पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम कहाँ मिलेगा आपको, जब आपको पहले अपलोड करना है। तो इसका मतलब ये है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका भी करना है, तो ये चीज़ तो आप एकदम वेरीफाई हो जाती है, करना ही करना है दोस्तों। 31 तारीख से पहले अपलोड करें। अगर आपको पंचायत डॉक्यूमेंट बनाने में कोई भी प्रकार की कोई समस्या होती है या आप हमसे बनवाना चाहते हैं पंचायत डॉक्यूमेंट, देखिए हम मोहर वगैरह भी नहीं बनाते हैं, केवल पंचायत डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट और उसमें नाम है माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर और ग्राम पंचायत वगैरह ही भर के देते हैं, बाकी मोहर आप खुद देख लीजिएगा वो हम नहीं करते, केवल आपको फॉर्मेट बना करके एक्सेल फाइल में भर करके वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये रही सारी बातें पंचायत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर कोई चीज़ें कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, अगर संभव होगा तो आपको मैं कॉल भी कर लूँगा। अगर आपका जो कमेंट्स है मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो आप उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको खुद ही रिवर्ट कॉल कर लूँगा। अगर आपका पंचायत डॉक्यूमेंट्स पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं मैं तो उसको बाद में ज़रूर कवर करूँगा। तो दोस्तों ये रही पंचायत डॉक्यूमेंट्स की बातें। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।